हाँ जी दोस्तों, तो क्या हाल है। सबसे पहले आप सबको एक हैप्पी दिवाली। अभी हमें अपने स्टूडियो में यहाँ पे एक छोटी सी पूजा करने वाले हैं। ये तैयारियाँ चल रही हैं पूजा की, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आज की सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज़। हाँ जी, तो पूजा हो गई है खत्म। टाइम लगभग लगभग यहाँ पे हो रहा है 8:30 बजे, और अब इनसे मिलिए। Hi, I'm Mrs. Sarcastic Sindhi. तो सीन ऐसा है कि इसका निकल के गया है अभी बर्थडे, जस्ट 2 दिन हुए हैं। एक दिन कल था मेरा बर्थडे, मतलब एक दिन हुआ है, और इसका बर्थडे गिफ्ट है ड्यू। तो मैंने इसको दो ऑप्शंस दिए हैं। कौन कौन से दो ऑप्शंस दिए हैं? या तो अपना फोन अपग्रेड कर लूं, या एक दिन की ट्रिप। एक दिन की ट्रिप वैलिड होती है, वो भी फोन के मुकाबले? नहीं, सीरियसली। अब आपको भी पता है कि यूट्यूब का काम जो करता है, या फिर एक प्राइमरी दूसरा काम भी चल रहा है, तो ऐसे में एक दिन की ट्रिप ही बहुत है, क्योंकि यूट्यूब से छुट्टी लेना मतलब अपनी रीच की ऐसी तैसी करवाना। डेडिकेशन होना चाहिए घुमाने के लिए अपनी वाइफ को और अपनी फैमिली को। बहुत डेडिकेशन है, बहुत अच्छा डेडिकेशन है। हाँ, तो एक दिन की ट्रिप से मैं नहीं मानने वाली हूँ, सीधी सी बात। तो कितने दिन की ट्रिप? मतलब कम से कम 3 दिन, कम से कम मिनिमम मिनिमम 3 days। सो 72 hours इनका ये कहने का मतलब है। नॉट अ बिग डील, आप सबको पता है। देखो वैसे ना, आगरा के आसपास 3 दिन जाने लायक कुछ है भी नहीं। अगर आसपास में एक तरफ दिल्ली है, एक तरफ ग्वालियर है, और ज्यादा दूर जाओ तो मसूरी है। मसूरी इतनी बार जाके आ चुके हैं कि बस मन भर गया है। अकेले और फ्रेंड्स के साथ, सिर्फ मेरे साथ एक बार। तो ऐसा करते हैं, 2 दिन पे डील सेटल करते हैं। 2 दिन के लिए चलेगा। नो बार्गेनिंग वाइफ के साथ, बार्गेनिंग सीरियसली। 2 दिन, 3 days, 2 दिन, फाइनल 3 days, नो बार्गेनिंग। सो फाइनली सेटलमेंट हो चुका है 3 days पे, और वाइफ विनर है हमेशा की तरह। अब किसकी चली है अपनी बीवी के आगे। तो यार देखो, सीन अभी इंस्टेंट बना है, ऐसे इंस्टेंट, और ये मेरी लाइफ में पहली बार ऐसा होने वाला है कि मतलब इंस्टेंट वाले सीन तो बहुत बनते हैं घूमने फिरने के, लेकिन इसको मैं ब्रॉडकास्ट करने वाला हूँ इस कैमरा से आपके पास यूट्यूब के थ्रू। ये चीज़ मैं पहली बार करने वाला हूँ। मतलब एक तो होती है इस तरीके की स्टोरी टेलिंग कि पूरा इंसिडेंट हो गया, उसके बाद उसकी स्टोरी बना के हमने डाल दी, लेकिन अभी जो भी होने वाला है टोटली रैंडम होने वाला है इसके बाद से, और देखते हैं कैसे जाता है। अभी हम यहाँ पे डेस्टिनेशन डिसाइड कर रहे हैं कि कहाँ पे जा सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, और लेट्स सी फिर क्या होता है। मिलता हूँ आपसे आगे। आ गया हूँ घर, और फाइनली जो सीन है वो कुछ ऐसा बना है कि हमको आज रात को ही निकलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम कल के लिए डिले करते हैं तो टर्न्स आउट के 2 दिन ही रह जाएंगे एंजॉय करने के लिए। तो हम ये सोच रहे हैं कि अगर आज रात अगर हम ट्रैवलिंग में कवर कर देते हैं तो ऐसे में हमको 3 पूरे दिन मिल जाएंगे यहाँ पे घूमने फिरने के लिए। हाँ भाई, क्या हाल है? पहले तो आपको बहुत बहुत हैप्पी दिवाली। आपको भी सर, आपको भी, आपके पूरे परिवार को, मम्मी पापा बीवी बच्चे सबको। अब ये सब बातें तो बाद में होती रहेंगी। मैं तेरे को ये बोल रहा हूँ कि सीन कुछ ऐसा बना है अभी अर्जेंट में कि हम अभी निकलने का सोच रहे हैं शिमला, कुछ ऐसे कुछ दोपहर रात के 2 या 3 बजे के आसपास। तो मैं कह रहा हूँ, अब मैं कह रहा हूँ तू भी चल पड़, अभी 2-3 दिन छुट्टी है तेरी भी, मुझे पता ही है। तो अब मैं कह रहा हूँ निकल चलते हैं। भाई अभी इंस्टेंट बना है बिल्कुल, अब यही है। अब तो मैं, तू तो दिल्ली है भाई, मैं यहाँ से चलूंगा, मैं सुबह 5 बजे तक पहुँचूंगा तेरे पास। सुबह 5 बजे तक भाभी से बात करके बता रहा हूँ। ठीक है, डन, कोशिश करियो, मना लियो। मीनवाइल भाई साहब, हैप्पी दिवाली। थैंक यू सर। और सर क्या हालचाल? कौन सा आईफोन प्रो मैक्स कौन सा लेके घूम रहे हो भाई? आईफोन प्रो। चल झूठा। 13, 14, 12, 12, वाह।
आओ बाहर आओ, यहाँ क्या अंदर क्या बैठ के कर रहे हो। तो चलो मैं ही बैठ गया गाड़ी में, अभी हम जा रहे हैं एक छोटा सा चक्कर मारने, क्योंकि भाई दिवाली है तो थोड़ा सा बाहर का भी नज़ारे देख ही लें। तो ये है, और ये गैंग के पहले हमारे कपल हैं, इनसे आपको मिलवाऊँ। ये है मिस्टर अमन। अमन भाई ये व्लॉग शूट होता रहेगा अभी, तो जो भी बोलना सोच समझ के बोलना। और ये है हमारी अंजलि भाभी, और इनसे आप मिली लिए हीरिका। हाय, खुशबू। हाँ मतलब वही। तो अब मैं इससे पूछता हूँ, अमन देख यार तू बहुत टाइम से कह रहा था कि कहीं बाहर चलना है, कहीं बाहर चलना है। एक बहुत बड़ी ऑफर लेके आया हूँ मैं तेरे लिए। अभी आधी रात को चल रहे हैं कहीं घूमने, और छोटे मोटे ट्रिप पे नहीं, एक अच्छे से 3 दिन के ट्रिप पे, वो भी शिमला। शिमला सीरियसली अभी चलना है? हाँ अभी। अरे अभी मतलब 5-6 घंटे इंस्टेंट 5 घंटे हैं बस आपके पास। कपूर से मैंने बात कर ली है, वो सीन ऑन है, वो दिल्ली रह रहा है, और दिल्ली से हम उसको पिक कर लेंगे। तो बड़ा मजा ही आ जाएगा अभी चलेंगे तो। मैं तो इन हूँ। तो ऑलवेज इन रहती हैं, दोनों पीछे बैठी हैं। मैं ये कह रहा था, वो चंदन कह रहा था रात को शिमला के लिए, आज रात को अभी। यहाँ तो गाली सुनेगा, यहाँ तो चल लेगा, दोनों में से एक काम हुआ। आज है फ्राइडे, मतलब मंडे तक के लिए। One eternity later. सीन डन हो गया भाई, सीन डन हो गया। हम कहाँ रुकेंगे भैया? कुछ नहीं पता है वो। कितनी जाएंगे? अभी कुछ नहीं पता। कितनी ठंड होगी? बहुत सारे सवाल हैं जिसके आंसर अभी तक निकल के नहीं आ पाए हैं। होटल की बुकिंग हो ही जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑनलाइन सारा कुछ हो ही जाता है, और बस एक इनोवा बुक करनी पड़ेगी। एक कपल और है, उसके पास हम जा ही रहे हैं अभी, रोहित के पास चल रहा है ना, तो बस हम रोहित के पास जा रहे हैं, उससे और पूछ के देखते हैं, कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। अगर चल लेता तो फिर मज़ा आएगा, बड़ी गाड़ी करके चलेंगे। मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। हाँ जी, तो अब हम हैं अपने ग्रुप के सेकंड मेंबर रोहित की तरफ। ये है हमारे रोहित भाई। हेलो, हैप्पी दिवाली। और ये है हमारी खनक भाभी, और बाकी सब जो इस रूम में बैठे हैं सब आप मिल ही चुके हो सबसे। तो भाई देख, रोहित सीन ऐसा है कि हम लोग अमन भाभी, हीरिका और यमन और लवीना भाभी, सब लोग का सीन सेट हो गया है। हम लोग शिमला अभी बजे 10:15 अभी रात को। अभी नहीं, मतलब इतना इंस्टेंट नहीं सोचे हैं, बस सोचे हैं भाई, इतना इंस्टेंट नहीं है, मतलब 2:30 इंस्टेंट ही कहते हैं। व्हाट टाइम है इसमें तो अभी, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया मेरे भाई। मैंने सुबह 12 बजे अपनी गोवा की टिकट बुक कराई यार। क्या मतलब? मैं जा रहा हूँ गोवा। गोवा जा रहा है चलना, सुबह ही मैंने बुक करा अपना। वो 3 Idiots की लाइन थी ना, मिलती जुलती, कि हम शिमला जाएं उसमें मजा आता है, लेकिन दोस्त गोवा जाए तो ज्यादा दुख होता है। अब कुल एंड पॉइंट ये है कि इनकी चलती रहेगी, और इसका सीन कैंसिल है क्योंकि ये जा रहा है गोवा। अब एक जना और बचा है, उससे और पूछते हैं, नहीं तो फिर हम 3 couple है ही हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। सी यू। Meanwhile, किसी भी टाइम यहाँ पे कॉल आने वाला होगा यमन का। लेट्स सी, आज आपको सारे के सारे अपने गैंग से मिलाता हूँ। जो आ गया, कॉल आ गया। हाँ भाई, दोबारा बोलियो। मजा आ गया। अब कुकी भाभी हो गए, तू और लवीना भाभी हो गए, 6 जने हो गए। अब एक जने को और कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर हम हो जाते हैं तो एक टेम्पो ट्रेवल करेंगे, और 8 जने अपना निकल चलेंगे शिमला अभी रात को। टाइम देखो, टाइम क्या हो गया है, 11:45 बज गए हैं, और हमें 2 बजे निकलना है, और अभी तक यही फाइनल नहीं है कि कौन कौन कैसे कैसे चल रहा है। चल ठीक है, तू तैयारी कर, मैं सुबह 5 बजे तेरे को दिल्ली से उठाता हूँ। तो अब मैं आ गया हूँ फाइनली अपने घर पे, कुछ 12 बज रहे हैं, और सीन ऐसा हुआ है कि फाइनली जो चौथा वाला कंटेस्टेंट था, उसको बिहाइंड द सीन्स बहुत ज़्यादा कन्विंस किया, बहुत ज़्यादा मनाया, और पूरी पट्टी पढ़ाई, फाइनली वो कन्विंस हो गया है। सब लोग बहुत
हाइपर से हैं कि भाई ऐसे कौन से प्लान बनते हैं कि 2 घंटे बाद निकलना है, 4 घंटे बाद निकलना है, कम से कम 3-4 दिन पहले बताओ। अभी होटल की भी कोई बुकिंग नहीं हुई हुई है, सिर्फ जैसे तैसे करके अरेंज कर लिया है हमने जाने के लिए गाड़ी, मतलब टेम्पो ट्रैवलर, क्योंकि ऑब्वियसली अब 8 जने हो गए हैं और एक छोटा बच्चा भी है, तो एक तरीके से 9 बच्चे, तो एक तरीके से 9 जने हो गए हैं। तो यहाँ पे पैकिंग वैकिंग भी स्टार्ट हो गई है हमारी और देखते हैं अब। हाँ जी, हो गई पैकिंग, देख सकते हैं आप, सर्दियों के कपड़े भी निकाले हैं, देखो कर रहे हैं पैकिंग, धीरे धीरे होगी। और आपने सही कहा था, 9 बच्चे, इंस्टेंट जो प्लान बनाते हैं ना वो बच्चे ही होते हैं। बच्चे हैं तो बच्चे ही सही, क्या बुराई है। तो फिलहाल के लिए ये फर्स्ट पार्ट था, और क्योंकि अब मेरे पास लैपटॉप नहीं होगा पूरे रास्ते में जाने के लिए, और तो बाकी की चीज़ें मैं अगर शूट कर भी लूँगा तो वो दिखाने में मज़ा नहीं आएगा और वीडियो लंबा होता जाएगा, तो ऐसे में ये वाला एक शॉर्ट पार्ट रखते हैं फर्स्ट पार्ट, और बाकी का कल मैं अपलोड करूँगा कि क्या पूरा सीन रहा। सारे मेंबर से आपको इंट्रोड्यूस कराऊँगा और सारा बातें करेंगे सब लोगों से। कल इस टाइम पे हम डेफिनेटली शिमला में होंगे और वहाँ के नज़ारों को एंजॉय करते हैं। चलो, टिल देन स्टे सेफ, स्टे सरकास्टिक, सी या।